Welcome back from TNT Chemistry World. Now in this session we are going to start cathode rays, including all the important contents related with cathode rays. Also it includes the MCQs, short type questions, etc. Then let us see what is the cathode rays. हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे कि कैथोड रेज है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि ये धारणा थी, इट वॉज सपोज्ड दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू डाल्टन। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, एनोड रेज एज वेल एज न्यूट्रॉन्स, वी आर एबल टू कंसीडर द सब एटोमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ये धारणा थी कि एटम्स ही सबसे छोटे पार्टिकल्स हुआ करते थे किसी सब्सटेंस के, लेकिन कैथोड रेज, एनोड रेज और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये देखा गया कि एटम भी छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली कैथोड रेज, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर द मेन कंटेंट्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनके अंदर की मेन चीज़ें क्या हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड, हम लोग आगे बढ़ें। सबसे पहले देखें कि कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कैथोड रेज, ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब इज यूज्ड। कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब इज यूज्ड। इस ट्यूब में कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज के प्रोडक्शन के लिए ही स्पेशलाइज्ड है, जिसको हम यहाँ एक छोटे से फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, लेट अस सी। इट इज ए ग्लास ट्यूब लाइक दिस। It is discharged tube in which a metallic plate acting as cathode and another is anode is embedded. Here we have the picture. It is connected by high voltage and this is for vacuum pump. हम इसके अंदर के प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए इसके अंदर की जितनी भी हवा है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द मिनिमम प्रेशर अप्रोक्स अबाउट 10^-5 atm। इट इज कैथोड एंड इट इज एनोड। Cathode and anode. Then when a high voltage across cathode and anode is applied, what we find is that there is some stream of current which starts flowing from cathode to anode. Cathode से anode की तरफ एक करंट की धारा प्रवाहित होती है, जिसको स्टडी किया गया कि ये करंट रियल में
निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. दीज करेंट्स आर कंपोज ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर लेटर ऑन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो जस्ट सी, फ्लो ऑफ करेंट इज फ्रॉम कैथोड टू टूवर्ड्स एनोड. फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड. ओके, इस ये जो करंट फ्लो हो रही है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रही है, इसीलिए इस रेज को हमने कैथोड रेज कहा. अब ये सवाल आता है, द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ द कैथोड रेज जेनरेट, व्हाट इज द रियल ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम एट फर्स्ट कैथोड एंड द पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम कैथोड आयोनाइजेस द गैस. Some gases are taken in this discharge tube. Then the gas molecules which are present inside the discharge tube get ionized by the particles which are coming out from the cathode. कैथोड से जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो क्या करते हैं कि इसके अंदर के गैस को आयोनाइज करते हैं और आयोनाइज करके एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जेनरेट करते हैं विच ऑल्सो फ्लो टुवर्ड्स द एनोड साइड. एम आई क्लियर? यहाँ से सबसे पहले कैथोड से नेगेटिवली चार्ज रेज निकलती है, ठीक है. ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यहाँ इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, स्लाइट अमाउंट में गैस भरी हुई है, उस गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देते हैं. करने के बाद उस एटम से एक पार्टिकल को और जेनरेट करते हैं विच ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द एनोड. एंड दिस फ्लो ऑफ दीज पार्टिकल्स विच आर फाउंड टू बी नेगेटिवली चार्ज आर कॉल्ड कैथोड रेज. क्लियर? यहां सभी बातें क्लियर हो गई. अब इसी को हम लोग थोड़ा लिखते हैं पॉइंट वाइज. लेट अस सी और डिस्कस वन बाय वन. नंबर वन पॉइंट, From cathode rays discharge tube, cathode rays discharge tube से जो कि maintained होता है high voltage पर और low pressure पर. From cathode rays discharge tube maintained at high voltage and low pressure about 10 to the power minus 5 atmosphere, ठीक है, containing some gas molecules. Like helium, ठीक है, helium जैसे गैस मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए होते हैं. तो इसमें what are our findings? Just say.
सेकेंड पॉइंट, जब इतना मेंटेन करके हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्किट व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट सी, ए करेंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ एक करंट फ्लो करना शुरू करती है, ठीक है, और ये करंट ये डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक ग्लो, एक लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, इस डिस्चार्ज ट्यूब पर ग्लो एक होने लगता है। Providing glow on the opposite walls of डिस्चार्ज ट्यूब। दैट इज टू से दैट द करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड एंड ग्लो इज ऑब्जर्व ऑन अपोजिट साइड, दिस साइड ग्लो इज ऑब्जर्व, क्लियर? And hence, it is called cathode rays. इसलिए इसको हम cathode rays कहते हैं, ठीक है? And these cathode rays are found to be composed of negatively charged पार्टिकल्स, ठीक है, ये कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बने हुए पाए गए हैं। द कैथोड रेज आर फाउंड टू बी composed of negatively charged particles called electrons, ठीक है? नेक्स्ट देखें, थर्ड पॉइंट, हाउ दे आर जेनरेटेड, ठीक है? तो एट फर्स्ट दे आर जेनरेटेड फ्रॉम द कैथोड एंड द पार्टिकल, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर जेनरेटेड फ्रॉम द कैथोड further ionizes the gas which are present within the discharge tube. Discharge tube पहले तो कैथोड से ये generate होते हैं, उसके बाद discharge tube में जो gas होते हैं उसको ionize करते हैं, उसके बाद फिर gas molecules और atom से जो particles निकलते हैं वो भी anode की तरफ flow करते हैं, ठीक है? आइए इसको third point में दिया जाए। These rays are
एट फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय produced by cathode and then from the gas present inside the discharge tube. Discharge tube के अंदर जो गैस है उसके by their ionization. At first they are produced by cathode and the particles coming from cathode further ionizes the gas molecules which are present within the discharge tube. ठीक है, next point में देखा जाए, fourth the cathode rays are independent of the cathode rays are independent of the nature of electrode material, that is cathode electrode material and the gas within the discharge tube. ठीक है, ये जो these cathode rays are independent of the electrode material or the gas present within the discharge tube. That means it indicates that whatever the electron material may be or whatever the gas may be, okay, it will not affect the emission of particles, negatively charged particles, which indicates that these negatively charged particles are the fundamental units of any substance. Am I clear to you? क्योंकि कैथोड रेस इन इलेक्ट्रॉन मटेरियल पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसके अंदर लिए गए गैस पर डिपेंड नहीं करते हैं. जो भी मटेरियल लें, जो भी गैस लें, इसका मतलब ये होता है कि इससे निकलने वाले जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, यहां लिखे हैं इंडिकेटिंग indicating that the negatively charged particles constituting कैथोड रेज, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कैथोड रे का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन. दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर the common universal constituents
ऑफ ऑल एटम्स। इससे ये बात के संकेत मिलते हैं कि इसके अंदर जो भी ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है किसी भी एटम का यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मीन्स कोई भी एटम एटम में इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कब प्रोड्यूस करते हैं? जब कोई मेटेलिक सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, व्हेन कैथोड रेज आर अलाउड टू स्ट्राइक ऑन एनी मेटेलिक सरफेस दे विल प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। व्हेन स्ट्राइक ऑन मेटेलिक सरफेस, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, दे कॉज आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन किसका ऑफ गैस थ्रू विच दे पास, जिस गैस से ये पास करते हैं उस वहां से इलेक्ट्रॉन को जेनरेट करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करते हैं। लेट अस कम टू सेवेंथ पॉइंट, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। दैट मीन्स व्हेन दे स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब दे विल प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैथोड रेज कैन बी यूज टू जेनरेट एक्स रेज हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज When a strike against the surface of
हार्ड मेटल्स हैविंग हाई एटॉमिक मास लाइक टंगस्टन मॉलिब्डेनम इट इज X-ray कैथोड रेज कैन जेनरेट X-rays वेन दे आर अलाउड टू स्ट्राइक ऑन द सर्फिस ऑफ हार्ड मेटल्स ऑफ हाई एटोमिक मास लाइक मॉलिब्डेनम और टंगस्टन. टंगस्टन या मॉलिब्डेनम हाई एटोमिक मास के हार्ड मेटल होते हैं. उन पर जब हम कैथोड रेज का स्ट्राइक कराते हैं तो X-rays का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. You have observed television. The picture tube of television is actually made up of cathode rays discharge tube. ठीक है. And the television picture is actually result from the phosphorescence or fluorophosphorescence. On the television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent materials. जो भी टेलीविजन स्क्रीन हम देखते हैं टेलीविजन का पिक्चर ट्यूब देखते हैं वो पिक्चर ट्यूब वास्तव में कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब ही होता है. और पिक्चर ट्यूब में जो स्क्रीन्स लगे होते हैं वो स्क्रीन्स फॉस्फोरिसेंस के ही एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. जो होते हैं कुछ विशेष फॉस्फोरिसेंट सब्सटेंस के ऊपर स्ट्राइक करने पर. आइए देखते हैं इसको लिख लें. टेलीविजन पिक्चर ट्यूब are actually cathode rays discharge tube. Cathode rays discharge tubes and the television pictures result due to fluorescence on television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent materials. Fluorescent materials. What are fluorescent materials? That means it when a light falls on such materials, it will re-radiate certain light of certain color. Finally,
10 point. The E by M ratio, we will discuss later about E by M ratio. E by M ratio के बारे में हम इससे आगे videos में आपसे बात करेंगे. Of electron is independent of nature of electrode material and the gas present in discharge tube. That is, the E by M ratio remains always constant. E by इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट किया गया डिफरेंट इलेक्ट्रोड और डिफरेंट गैसों को यूटिलाइज करके. देन वी फाइंड द सेम कांस्टेंट वैल्यू फॉर ई बाई एम रेशियो. ठीक है, इट सजेस्ट दैट negatively charged particles constituting cathode rays, that is electrons, are common universal constituent of all atoms. E by M रेशियो का कांस्टेंट होना इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन कॉमन कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैं. ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे कि जो भी हमारे MCQs भी पूछे जा सकते हैं, सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे तो MCQs का आप जवाब दे सकते हो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो, वन वर्ड आंसर आप कर सकते हैं. ठीक है, कैथोड रेज, कैथोड रेज में कंडीशंस क्या होते हैं? कंडीशंस होते हैं हाई वोल्टेज और लो प्रेशर. ठीक है, इसका प्रेशर अबाउट 10^-5 एटमोस्फेयर होता है. ठीक है, और इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं लाइक हीलियम के गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, इसीलिए इसको हम कैथोड रेज कहते हैं. सिंस द फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी कैथोड रेज. ठीक है, कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. कैथोड रेज
आर कंपोज टू बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दे विल ग्रो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और एनी फ्लोरोसेंस मटेरियल विच आर कोटेड अपोजिट टू द कैथोड. Hence they are called cathode rays. ठीक है, cathode rays are found to be composed of negatively charged particles. ठीक है, how they are generated? They are first produced. They are first produced. By cathode. Firstly, they are produced by cathode, and after that, the charged particle which are coming from cathode further ionizes the gas molecules or atoms which are present within the discharge tube, and both type of generated particles will flow from cathode towards anode. Then from the gas present inside the discharge tube. ठीक है, cathode rays are independent of the nature of electrode. इलेक्ट्रोड मटेरियल हमने क्या लिया और गैस क्या लिया इस पर डिपेंड नहीं करते हैं cathode rays. That means कि cathode rays is characteristic property of each and every element. ठीक है, indicating that negatively charged particles constituting cathode rays, that is electrons, are the common universal constituent of all the atoms. सभी atoms को बनाने वाले में electron का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन स्ट्राइक ऑन द मेटेलिक सरफेस. मेटेलिक सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किस तरह के इफेक्ट कैथोड रेज नहीं करते हैं. ठीक है, उसमें आपके ढेर सारे ऑप्शन होंगे. ठीक है, उसमें आपको देख के जवाब देना होगा. कैथोड रेज कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास. जिससे पास होते हैं उससे आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं. ये ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब में कोटिंग जो फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की होती है उसके ऊपर स्ट्राइक करके ये ग्लो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैथोड रेज एक्स रेज का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं व्हेन दे आर अलाउड टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल्स हैविंग हाई एटॉमिक मास लाइक टंगस्टन मॉलिब्डेनम ईटीसी. टंगस्टन मॉलिब्डेनम ईटीसी मटेरियल पर स्ट्राइक करने से ये एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेलीविजन जो आप देखते हो टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब एक्चुअली कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब ही होते हैं. एक्चुअली कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पिक्चर ट्यूब ऑफ टेलीविजन एंड द टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट्स ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सम सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स. पिक्चर ट्यूब के ऊपर सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल मीन्स वैसे मटेरियल जो लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट होकर दूसरे कलर्स देते हैं वैसे मटेरियल की कोटेड बनी होती है. ई बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है.
remains always constant, whatever the nature of electrode and the gas present in the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब में हम जो भी मटेरियल रखे हैं, जो भी गैस रखे हैं, उससे इंडिपेंडेंट होता है. इसका मतलब कि इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ऑल द एटम्स. ठीक है, इसको आप बढ़िया से पढ़ो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक्स टू ऑल. ओके ओके, थैंक यू.